नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। अमेरिकन रेवोल्यूशन हमने आधा डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि रीजंस क्या थे अमेरिकन रेवोल्यूशन के पीछे में, शॉर्ट टर्म कौन से रीजंस थे, लॉन्ग टर्म कौन से रीजंस थे, किस प्रकार से अमेरिका आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, फ्रांस का क्या रोल रहा अमेरिका को आज़ादी दिलवाने में, वो सब चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे जो अमेरिकन रेवोल्यूशन थी वो लड़ाई थी कैपिटलिज्म और मर्केंटलिज्म के बीच में। बेसिक्स के साथ हम ये पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में हम समझेंगे क्या सिग्निफिकेंस रहा, क्या इंपैक्ट हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन का, दूसरे स्टेट्स पर किस प्रकार से फर्क पड़ा, क्यों बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है इतिहास में अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो वो सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैपिटलिज्म की बात करें तो देखो, फ्री ट्रेड पर फोकस किया जाता है कैपिटलिज्म में, यानी स्टेट का जो रोल है वो कम से कम होगा, सब कुछ जो काम करेगा वो मार्केट फोर्सेस पे काम करेगा, जैसे एडम स्मिथ ने कहा था हिडन हैंड, यानी अगर सारे इंडिविजुअल्स अपना अपना फायदा देखें तो ऑटोमेटिक सबका फायदा हो जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं कि स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, जैसे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए हमारे देश में, हालांकि पूरी तरह से हमारा देश कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं स्टेट जो है इंटरफेयर करता है हमारे देश में, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं खास करके जो यूएस है वो हमेशा से कैपिटलिस्ट रहा है, और अमेरिकन रेवोल्यूशन आने से पहले भी वहां पे कैपिटलिज्म था। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि जो अमेरिकन थे वो सेल्फ मेड पीपल थे, जब वो भाग के आए थे यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिका में बसे थे, तब उनके पास में कुछ नहीं था, जीरो से उन्होंने स्टार्ट करी, घास थी बड़ी बड़ी, उन्होंने घास काट के उन्होंने प्लांटेशन इंडस्ट्री स्टार्ट करी या फिर दूसरे जो काम किए, तो उनको अपनी प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा लगाव था, वो नहीं चाहते थे कि स्टेट इंटरफेयर करे, उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करे, उनके जो इकोनॉमिक वैल्यूज हैं उनमें स्टेट दखलंदाजी करे, जबकि दूसरे कंसेप्ट मर्केंटलिज्म में होता है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड। इसमें क्या होता है कि देखो, चीजें डिमांड एंड सप्लाई या फिर मार्केट के रूल्स के हिसाब से नहीं खरीदी या बेची जाती, इसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आजादी से पहले ब्रिटेन ने किस प्रकार की पॉलिसीज अपनाई थी हमारे देश में, इंपोर्ट था वो काफ़ी सस्ता था, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी उस समय में, तो ब्रिटेन चाहता था कि जो कपड़े प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो टेक्सटाइल मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं ब्रिटेन में, उनकी खपत ज़्यादा से ज़्यादा हो इंडिया में। तो ब्रिटेन जो इंडिया थी वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो इंडिया के अंदर में उनकी पॉलिसी किस प्रकार से थी, इंपोर्ट काफ़ी सस्ता था लेकिन एक्सपोर्ट था काफ़ी महंगा था, समझ गए, यानी ब्रिटेन के माल की ज़्यादा से ज़्यादा खपत हो इंडिया के अंदर में, जबकि इंडिया का माल ब्रिटेन में ना जा पाए, तो इंपोर्ट पे बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं लगाते थे, एक्सपोर्ट पे काफी सारा टैक्स लगा देते थे। स्टेट का बहुत बड़ा रूल था, इंटरफेरेंस था अपने हिसाब से पॉलिसीज, मेन मकसद था एक्सप्लोइट करना चीजों को, उस प्रकार का रूल था ब्रिटेन का उस समय अमेरिका के ऊपर में, तो दोनों पॉलिसीज में टकराव तो होना ही होना था, और यह टकराव हुआ भी 1763 से लेकर 1767 तक, यानी 67 तक बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए ब्रिटेन के द्वारा अमेरिका के लोगों पे, और अमेरिका के लोगों को यह चीज रास नहीं आई। ब्रिटेन का मकसद था ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को इकट्ठा करना, जबकि अमेरिका के लोग थे उनका मकसद था इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, उनकी तो इकोनॉमिक वैल्यूज इस प्रकार से थी, सभी कल्चर्स आके मिलते हैं, सिर्फ एक ही मकसद, एक ही ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, तो कैसे वो उन सब टैक्सेस को सहन कर सकते थे। इसीलिए ये कहा जाता है जो अमेरिकन रेवोल्यूशन थी वो काइंड ऑफ एक फाइट थी कैपिटलिज्म के बीच में जो कि अमेरिका में था, मर्केंटलिज्म के बीच में जो कि ब्रिटेन में था, समझ गए। अब आसानी से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर क्वेश्चन आता है इस पे, तो 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इस पे। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार अमेरिकन रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट हुआ अमेरिका के ऊपर में या फिर वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज पे, पॉइंट वाइज फॉर्म में इसे हम डिस्कस करेंगे। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद में जो वैल्यूज थी, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म या फिर लिबरलिज्म, ये वैल्यूज वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिली, तो ये वैल्यूज काफी ज्यादा एब्जॉर्ब की गई मासेस के द्वारा, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी। उसके बाद में अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद में अमेरिका फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बना, यानी पहला ऐसा देश जहां पे डेमोक्रेसी को अपनाया गया, यहां पे आप नोट कर सकते हैं डेमोक्रेसी, फर्स्ट डेमोक्रेसी अमेरिका। अमेरिका के बाद में तो कई जगह डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बल दिया जाने लगा, लेकिन अमेरिका पहला ऐसा देश था, उससे पहले तो जो किंग्स थे, राजा थे या फिर चर्च थे, ये सब रूल करते थे, लेकिन पहली बार लोगों की रिप्रेजेंटेशन हुई, यानी लोगों के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि थे वो रूल करने लगे। तीसरे नंबर पे बात आती है फंडामेंटल राइट्स की, जॉन लॉक को फादर ऑफ नेचुरल राइट्स कहा जाता है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें फंडामेंटल राइट्स गारंटीड थे, समझ गए। हालांकि ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी था जिसको राइट किया गया था, उससे पहले संविधान का कंसेप्ट तो था,
यूके में भी संविधान था लेकिन वो लिखा नहीं गया था, वो कन्वेंशन के बेस पे चल रहा था। तो यूएस का संविधान पहला ऐसा संविधान था जिसे लिखा गया था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसे आप कह सकते हैं। उससे पहले तो देखो इवन संविधान कई जगह तो होता ही नहीं था, सिर्फ राजा ने जो कह दिया वही सही, बाकी सब गलत, इस तरह की बातें थी। लेकिन अमेरिका से इस प्रकार का कंसेप्ट जो है वो आया कि जो संविधान में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से चलना है, राजा अपनी विम्स एंड फैंसीज पे काम नहीं कर सकता। तो यहां पे आप लिख सकते हो, अच्छा रहेगा, याद हो जाएगा, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में इंपैक्ट यह हुआ कि अमेरिका में रेवोल्यूशन आने के बाद में वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे रेवोल्यूशन आया, और सबसे इमीडिएट जो रेवोल्यूशन आया वो फ्रांस के अंदर में आया। देखो अब फ्रांस के जो सैनिक थे वो अमेरिका की तरफ से लड़े, अमेरिका की सहायता की उन्होंने ब्रिटेन से आजाद करवाने के लिए। तो फ्रांस के सोल्जर्स को लगा कि जिन वैल्यूज के लिए हम यहां पे अमेरिका में लड़ रहे हैं, अमेरिका को आजाद करवा रहे हैं, वो वैल्यूज तो हमारे फ्रांस में ही नहीं है, समझ गए। तो कहने का मतलब है कि वो सोचने लगे कि हम दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, हम क्यों ना खुद के लिए लड़ें। तो फ्रांस में भी रेवोल्यूशन आया 1789 में, फ्रांस के सोल्जर्स वो रेवोल्यूशन लेके आए, ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आयरलैंड में रेवोल्यूशन आया 1798 में इन्हीं आइडियाज के लिए। उसके बाद स्पेन में रेवोल्यूशन आया 1820 में, यूरोपियन रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी। तो ये सारे रेवोल्यूशन आए अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद में, अमेरिकन रेवोल्यूशन को देख के। तो यहां पे पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हो, इंपैक्ट ये हुआ रेवोल्यूशन इन अदर कंट्रीज। उसके बाद में हॉस्टिलिटीज और ज्यादा बढ़ गई फ्रांस और इंग्लैंड में। देखो फ्रांस ने सहायता करी थी अमेरिका की ब्रिटेन से आजाद होने में। अगर ब्रिटेन ने एक कॉलोनी खो दी अमेरिका की फॉर्म में, क्योंकि अमेरिका की रेवोल्यूशन हो चुकी थी, अमेरिका की इंडिपेंडेंस हो चुकी थी ब्रिटेन ने, तो दूसरी बहुत बड़ी कॉलोनी, बहुत बड़ा एम्पायर इमर्ज होकर आया इंडिया की फॉर्म में। अब देखो बहुत सारी गलतियां करी थी ब्रिटेन ने अमेरिका के अंदर में, उन गलतियों से सबक लेते हुए कई बार लॉर्ड कॉर्नवालिस को जिम्मेदार ठहराया जाता है अमेरिका में जो हार हुई थी ब्रिटेन उसके लिए। बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में भी आए, 1986 से 1793 तक वो इंडिया में रहे। तो उन्होंने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई इस समय में, काफी सारे कानून पास किए ताकि जो ब्रिटेन की पकड़ है इंडिया के ऊपर उसे और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। और उसी का रिफ्लेक्शन देखने को मिला 1790 के आसपास जो मैसूर में युद्ध हुआ था, काफी प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई ब्रिटेन ने ताकि किसी भी फॉर्म में ब्रिटेन इंडिया को नहीं लूज करना चाहता था। अमेरिकन रेवोल्यूशन को आप फर्स्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट भी कह सकते हो। देखो 1947 से पहले जो हमारे देश में नेशनलिस्ट मूवमेंट चली थी, जो सारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी लोग एक साथ आए थे, मकसद एक था आजादी ब्रिटेन से, तो इसी तरह की मूवमेंट वहां पे अमेरिका में चल रही थी। 1776 से मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका की रेवोल्यूशन पहली अपने आप में नेशनलिस्ट मूवमेंट है, उनको देख के बाद में बाकी कई सारे देशों में धीरे धीरे नेशनलिस्ट मूवमेंट चलती गई थी। डिकोलोनाइजेशन की प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो गया, लिख लो ये पॉइंट सारे नहीं तो भूल जाएंगे। फर्स्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट, उसके बाद में डिकोलोनाइजेशन। अब देखो जैसे 13 कॉलोनीज का डिकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया ब्रिटेन से, तो इनको देख के बाकी सारी जो कंट्रीज थी जहां पे ये ब्रिटेन फ्रांस जैसे कंट्रीज ने कॉलोनीज बना के रखी थी, उनको भी धीरे धीरे चीजें समझ में आती गई। जैसे अमेरिका में नारा लगा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अगर आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो हम टैक्स नहीं देंगे। तो बाकी सारे देशों को भी ये चीजें समझ आने लगी कि हमारा पूरी तरह से एक्सप्लोइटेशन किया जा रहा है। डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद, ऐसा आप कह सकते हो। फिर अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका का इमर्जेंस स्टार्ट हो गया, यानी धीरे धीरे अमेरिका पावरफुल होता गया, अमेरिका की प्रतिष्ठा बढ़ती गई रेवोल्यूशन के बाद में। शुरुआती ईयर्स में तो अमेरिका ने आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाई, उन्होंने बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को कहा कि आप हमें हमारे हिसाब से जीने दीजिए और हमें हमारे अंदर में यहाँ पे इंटरफेयर मत कीजिए। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान में अमेरिका ने थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया, सेकेंड वर्ल्ड वार में तो काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में दो सुपर पावर्स इमर्ज होकर आई, एक यूएसएसआर एक यूएसए। लेकिन 1991 आते आते यानी 1991 के आसपास यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में सिर्फ एक ही सुपर पावर बची, यूएसए। यानी 1991 के बाद में यूएस की पावर पीक पे थी, सिर्फ एक ही सुपर पावर जिसका नाम था यूएसए। लेकिन उसके बाद में काफी सारी ऐसी चीजें हुई कि जो अमेरिका की पावर थी धीरे धीरे डाइल्यूट होना स्टार्ट हो गई। अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो अगली सुपर पावर होगी, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। यूएस अपने हिसाब से अपने सुपर पावर के स्टेटस को इतना आसानी से नहीं जाने देगा।
ओबामा ने काफी कोशिश करी, लेकिन अभी ट्रंप चुन के आए हैं, लेकिन ट्रंप भी रियलाइज कर रहे हैं कि अमेरिका अपना जो सुपर पावर का स्टेटस है वो आसानी से नहीं खो सकता, इसलिए बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जहां पे ट्रंप ने भी यू टर्न लिया है। तो वो तो हम आईआर में डेली डिस्कस करते हैं एडिटोरियल की वीडियो में, किस प्रकार से जो जियोपॉलिटिकल चीजें हैं वो शेप ले रही हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर में, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर किस प्रकार से शेप ले रहा है। तो इस वीडियो में तो इतना ही है, मेनली हमने ये डिस्कस किया अभी कि क्या इंपैक्ट हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन का, ना सिर्फ अमेरिका पे बल्कि दूसरे वर्ल्ड कंट्रीज पे भी। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन सिविल वार। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।